अगली खबर कासगंज से है, जहां एटा लोकसभा क्षेत्र से दो बार के पूर्व सांसद बीजेपी को ज्वाइन कर नई सनसनी फैला दी है। जहां कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की जब स्थापना की गई तो कुंवर देवेंद्र सिंह यादव पार्टी फंड देने वाले सबसे बड़े नेता थे। शराब कारोबारी के रूप में पहचान बनाने वाले नेता देवेंद्र सिंह यादव के रसूल से पार्टी के तत्कालिक अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उनके पूछकर ही एटा, बदायूं और अलीगढ़ में टिकट तय किया करते थे। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान उन पर पार्टी नीतियों के उलट बीजेपी की मदद करने के आरोप से सपा जिला अध्यक्ष विक्रम यादव ने लगाया था। आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार अपने निवास कासगंज नगर पहुंचे। उनके आगमन पर उनके समर्थकों ने भारी जोश दिखाया, जो एटा लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य की भारी पड़ गई और पहली बार बीजेपी का भगवा पहनकर कासगंज नगर पहुंचे देवेंद्र सिंह यादव ने मीडिया से बात की। इस दौरान मौजूदा समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कुछ ऐसा बोल दिया कि सुनने वाले भी हैरत में पड़ गए। आज पहले जो सभा थी आदरणीय नेता जी के टाइम की, वो अब सभा नहीं रही है। आज सभा में अवांछित तत्वों का प्रवेश हो गया है। जितने भी आजकल नए समाजवादी पार्टी में जो भाग ले रहे हैं, वो उनके करैक्टर अच्छे नहीं है, चरित्र अच्छे नहीं है और उनकी लोकप्रियता भी अच्छी नहीं है और जनभावना भी अच्छी नहीं है। इसलिए उन सब बातों को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी को छोड़ा है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में काम करने का संकल्प लिया है और व्यवस्था जीवन उनके आदर्शों को प्रभावित होकर उनके साथ काम करूँगा।